नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान में कांग्रेस की 56 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। पायलट समर्थक सहित 7 एमएलए के टिकट कटे, 32 नए चेहरे मैदान में। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 56 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व सांसद बद्रीनाथ जाखड़ को बाली सीट से टिकट दिया गया है। 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें सचिन पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा भी शामिल है। 32 नए चेहरे मैदान में है। मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर की सिवाना सीट से टिकट दिया गया है। पहले उनका नाम जैसलमेर से चला था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा का हुआ समापन। मोदी बोले, देश भर से लाई मिट्टी सिद्धि के लिए प्रेरित करेगी। माई भारत पोर्टल लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के कर्तव्य पथ यानी कि विजय चौक पर मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। इस दौरान उन्होंने देश भर से लाई गई मिट्टी को भारत कलश में डालकर तिलक लगाया और वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत पोर्टल भी लॉन्च किया। दोस्तों, इससे पहले प्रधानमंत्री ने इस यात्रा की एक डिजिटल प्रदर्शनी भी देखी। देश भर के गांव से 8,500 अमृत कलशों में मिट्टी भरकर दिल्ली लाई गई। इसे कर्तव्य पथ के पास रखे भारत कलश में इकट्ठा किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने भी सीज फायर के प्रस्ताव पर साथ नहीं दिया। नेतन्याहू बोले, यूएन के प्रस्ताव में इसराइल पर हुए अत्याचार का जिक्र नहीं। जी हां दोस्तों, इसराइल हमास जंग के बीच जॉर्डन ने यूएन में मानवीय संकट का हवाला देते हुए सीज फायर की मांग की थी। इसके लिए उसने एक प्रस्ताव भी पेश किया था जो पास हो गया था। इस प्रस्ताव में इसराइल पर हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं था। भारत ने इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग नहीं की थी। अब इस मामले में इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे अफसोस है कि हमारे कई दोस्तों ने भी इस बात को नहीं उठाया किस प्रस्ताव में खामियां हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि इसमें इजराइल में हुए अत्याचार का जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे अत्याचार को कोई भी सभ्य देश स्वीकार नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा इस तरह का प्रस्ताव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई। प्रशांत भूषण बोले, ये बॉन्ड केवल रिश्वत है जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करता है। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम मामले में 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने मणि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, जबकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल, प्रशांत भूषण और विजय हंसारिया ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी की। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह बॉन्ड केवल रिश्वत है जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करती है। नागरिकों को जानने का हक है कि किस पार्टी को कहां से पैसा मिला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था। स्कीम के प्रावधानों के मुताबिक इलेक्ट्रोल बॉन्ड को कोई भी नागरिक अकेले या किसी के साथ मिलकर खरीद सकता है। सुनवाई से पहले अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणि ने कहा कि नागरिकों को पार्टियों का इनकम सोर्सेस जानने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मराठा आंदोलन के बीच सीएम शिंदे ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा हुई संभव। जी हां दोस्तों, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन यानी कि सोमवार को महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले के कुछ हिस्सों में कुछ राजनेताओं के घरों और ऑफिसों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों के इस फैसले के एक दिन बाद पुलिस ने मंगलवार को मंत्रालय, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के आवासों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा है कि अन्य राजनेताओं के साथ साथ यहां और राज्य में अन्य जगहों पर राजनीतिक दलों के कार्यालय भी बंद हैं। इसके अलावा मराठा आरक्षण मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 10:30 बजे सहाद्री गेस्ट हाउस में होगी। सरकार आम सहमति के लिए सभी दलों से चर्चा करेगी और आगे संभावित समाधान के लिए काम करेगी। इस बैठक के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर चर्चा भी संभव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महुआ बोली, सरकार फोन हैक करने की कोशिश कर रही। राहुल ने कहा, कांग्रेस नेताओं को अलर्ट मिला, सरकार का जवाब, ऐसे मैसेज 150 देशों में गए। जी हां दोस्तों, पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में फंसे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दावा किया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है। एक ट्वीट में महुआ ने लिखा कि देश के गृह मंत्रालय के पास और कोई काम नहीं है, अडानी और प्रधानमंत्री कार्यालय के गुंडों, तुम्हारा डर देखकर मुझे तरस आता है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना प्रमुख उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, एआईएमआईएम प्रमुख
प्रमुख असुद्दीन ओवैसी और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने भी यही दावा किया। सरकार पर फोन हैकिंग के आरोप के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एप्पल ने आज 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। एप्पल के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है। कंपनी ने अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उनका फोन हैक नहीं कर सकता। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और हम इसकी तह तक जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल ने पहली बार इस्तेमाल किया एरो सिस्टम, मार गिराई हूती विद्रोहियों की मिसाइल। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध बीते 3 हफ्तों से लगातार जारी है। ऐसे में हमास के समर्थन और इजराइल के खिलाफ कई देश अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में इजराइल पर यमन की ओर से मिसाइल दागी गई है, लेकिन इजराइल ने एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने पहली बार अपने एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इजरायली सेना ने बताया कि उनके एरो सिस्टम ने इजराइल पर लाल सागर क्षेत्र की ओर से दागी गई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को नष्ट कर दिया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने जारी बयान में कहा कि उनके एयरफोर्स सिस्टम ने मिसाइल की ट्रेजेक्टरी को ट्रेस कर उसे ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ का कहना है कि फाइटर जेट ने अन्य 2 ड्रोन को भी मार गिराया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहीन आफरीदी ने रचा इतिहास, ऐसा धमाका कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व क्रिकेट में मचाया तहलका। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तंजीद हसन को आउट करते ही शाहीन आफरीदी ने वनडे में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। शाहीन आफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट हासिल करने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। शाहीन ने मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्टार्क ने 52 मैच में 100 विकेट हासिल किए थे, वहीं शाहीन ने ऐसा कारनामा सिर्फ 51 मैच में कर दिखाया है। ओवरऑल वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड संदीप लामिछाने के नाम है। संदीप लामिछाने ने 42 मैच में 100 वनडे विकेट हासिल किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जमानत मिलने पर 52 दिनों बाद जेल से बाहर आए चंद्रबाबू नायडू, कहा मैं इस स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाला मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। जेल से बाहर आते ही उन्होंने कहा कि मैं इस स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा। नायडू के समर्थक जेल के बाहर उनके झलक पाने के लिए जुटे थे। पोता नारा देवांश भी दादा से मिलने पहुंचा था। राजमुंद्री जेल से बाहर आते ही नायडू ने पोते को गले से लगा लिया। वहीं दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य कारणों पर अंतरिम जमानत मिली है। सोमवार को अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नायडू को 28 नवंबर तक 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है।